आज जब देश के प्रति जोश दिखाने की बात आती है तो भारतीय जवानों से लेकर के आम नागरिक तक हम सब एक सुर में कहते हैं जय हिंद। और ये नारा हमें दिया है हमारे नेताजी यानी सुभाष चंद्र बोस साहब ने। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सारी बातें तो हम उनके बारे में जानते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में पांच वो बड़ी बातें जो उनसे अगर आप सीखें, उनकी लाइफ से सीखें, तो अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए बात करते हैं फाइव लर्निंग्स फ्रॉम नेताजी सुभाष चंद्र बोस। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सीखने वाली पहली बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से है वो उनके जीवन के शुरुआती दौर से। 23 जनवरी 1893 को ओडिशा के कटक में जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी जी के यहाँ एक बालक का जन्म होता है। नाम रखा जाता है सुभाष चंद्र बोस। उनके तेज दिमाग को देखकर के पिताजी माताजी कहते हैं आपको ICS इंडियन सिविल सर्विसेज जो है उसमें ऑफिसर बनना है। सुभाष बाबू जो है 1916 में पहुंच जाते हैं कोलकाता के फेमस प्रेसिडेंसी कॉलेज में। वहां पर BA दर्शन शास्त्र वो पढ़ रहे थे और उस वक्त एक ऐसा हादसा होता है, एक ऐसा वाकया होता है जो नेताजी को अंदर तक झकझोर देता है और सोचने पर मजबूर कर देता है। उनके कुछ साथियों को एक जो प्रोफेसर थे वो धक्का देते हैं और सुभाष चंद्र बोस क्योंकि क्लास के रिप्रेजेंटेटिव थे तो वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं, कहते हैं कि जो अंग्रेज प्रोफेसर हैं इनका रवैया ठीक नहीं है, बिहेव नहीं करते ढंग से इंडियन स्टूडेंट्स के साथ में, आप कहिए कि वो हमसे माफ़ी मांगे। लेकिन प्रिंसिपल मना कर देते हैं कि ऐसा थोड़ा ना कह सकते हैं। और अगले दिन जो है सारे स्टूडेंट्स स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं। पूरे शहर में बात जो है हवा की तरह तेजी से फैलती चली जाती है। बहुत सारे लोग उन्हें सपोर्ट करने लगते हैं। इस सब के बाद भी वो तैयारी करते हैं इंडियन सिविल सर्विसेज की। भारतीय सिविल सेवा में 1921 में चौथा स्थान वो प्राप्त करते हैं। पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे लेकिन गांधी जी के विचारों से इंस्पायर होते हैं और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ये सारी जो घटनाएं उस वक्त हुई वो उन्हें अंदर तक झकझोर देती हैं। और उसके बाद में नेताजी वो नौकरी छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ एक मकसद के साथ आगे बढ़ते हैं, वो था भारत की आज़ादी का। सीखने वाली जो पहली बात है वो ये है कि अगर आप बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, इफ यू वांट टू ब्रिंग अ बिग चेंज इन योर लाइफ, यू नीड टू टेक अ बिग स्टेप। बड़े बदलाव के लिए वो बड़ा कदम, वो पहला कदम रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं उससे पहले बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वाकई अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो अच्छा पढ़ना शुरू कीजिए। जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतने अच्छे आपके विचार होते जाएंगे और विचार ही आगे चल करके आपके कर्म बनते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी के जो विचार थे उनको 16 ईयर्स की एज में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पढ़ा और उनके जो थॉट्स थे वो काफी चेंज हुए। एक बड़ा छोटा सा वाकया है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बूढ़ी भिखारिन रहा करती थी। उनकी ऐसी अवस्था थी कि वो भीख मांगने जाती थी, उनका दर्द साफ दिखता था, मतलब ऐसा लगता था कि दो समय की रोटी भी उनको ढंग से नसीब नहीं हो रही है। बरसात, तूफान, कड़ी धूप, ठंड, हर तरीके का मौसम, और अपनी रक्षा भी नहीं कर पाती थी। ये जब सारा सीन ये देखते थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस तो ये सोचते थे कि मैं इतना खुशहाल जीवन जी रहा हूँ, इतना सब कुछ मुझे मिला है लाइफ में, और मेरे घर के ठीक सामने एक ऐसी महिला रहती हैं जो कि अच्छे से जीवन भी नहीं जी पा रही है, तो मुझे भी खुश जीवन जीने का अधिकार नहीं है। तो जब ये स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे, तो वहाँ से जो पैसे बचाते थे, बस में जो इनको किराया मिलता था घर से बस से जाने का, उस बस से नहीं जाते थे, किराया बचाते थे, उस पैसे से उन बूढ़ी अम्मा की मदद करते थे। तो जो लाइफ में इनका थॉट था वो वहीं से बिल्ड हो चुका था कि मदद कर सको तो ज़रूर करना। यही दूसरी बात नेताजी की लाइफ से सीखने को मिलती है। तीसरी बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से सीखने को मिलती है, लाइफ में हमेशा प्रोग्रेसिव सोचना चाहिए, आगे की सोचनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद तक भी पहुंचे, बाद में विवाद हुआ, वो अलग हो गए। इस सब के बीच में उन्होंने सोचा कि कब तक हम यहाँ रह कर के लड़ाई लड़ेंगे, क्यों ना बाकी जो देश हैं उनसे मदद मांगी जाए। 1941 की बात है, एक मुकदमे के सिलसिले में उन्हें कलकत्ता की एक अदालत में, कोलकाता जो है वहाँ कोर्ट में उन्हें पेश होना था। उन्हें उस वक्त की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने हाउस अरेस्ट किया हुआ था। तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो चकमा देकर के जर्मनी पहुंच जाते हैं, हिटलर से मुलाकात करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये मुलाकात होती है और भारत को अंग्रेज़ों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए जब उन्हें हिटलर से भी कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता तो वो अपनी एक आज़ाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी जो है सशस्त्र सेना का संगठन करते हैं। इस फौज का जो गठन था वो जापान में हुआ था, इसकी जो स्थापना थी वो भारत के क्रांतिकारी नेता रास बिहारी बोस ने की थी टोक्यो में, जापान में।
28 से 30 मार्च तक एक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज के गठन को लेकर के विचार प्रस्तुत करने के लिए नेताजी को बुलाया गया। कहा जाता है कि आजाद हिंद फौज के बनने में जापान ने बहुत ज्यादा सहयोग किया था। आजाद हिंद फौज में तकरीबन 85,000 सैनिक जो थे वो शामिल थे। शुरुआत में तो वो थे जो कि जापान की ओर से बंदी बना लिए गए थे, लेकिन बाद में इस फौज में बर्मा और मलाया में जो भारतीय स्वयंसेवक थे उनको भी शामिल किया गया। देश के बाहर के लोगों को भी इसमें शामिल किया गया था। अब बात करते हैं 1943 की। 1943 में 21 अक्टूबर के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना की थी। इसे आज़ाद हिंद सरकार कहा जाता था। इस सरकार के पास में अपनी फौज थी, बैंक तक की व्यवस्था थी। इस सरकार के अपने प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर सब थे। आज़ाद हिंद फौज का थॉट आने से लेकर के इसके गठन तक कई जो लेवल थे उस पर कई लोगों के बीच में बातचीत हुई। इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली, आयरलैंड 9 कंट्रीज ने मान्यता दी थी। इस फौज को, जो आजाद हिंद फौज थी, उसे आधुनिक युद्ध के लिए तैयार करने में जापान ने बहुत ज्यादा मदद की थी। और अंडमान और निकोबार जो आइलैंड हैं वो आजाद हिंद सरकार को सौंपे थे, जिसे नेताजी ने नाम बदल करके, अंडमान का नाम बदल करके शहीद द्वीप और निकोबार का नाम बदल करके स्वराज द्वीप जो था वो रख दिया था। तो ये सारा जो घटनाक्रम है, जो सारा मैंने आपको टाइमलाइन बताया, ये सिखाता है कि लाइफ में प्रोग्रेसिव सोच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि एक तरीके से बात नहीं बन पा रही है, तो शायद आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं। ऐसा सिखाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। चौथी बात जो सीखने को मिलती है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन से, लाइफ में फियरलेस बनिए, निडर बनिए। हिटलर, जिसके नाम से दुनिया में लोग कांपने लगते थे, उसने दुनिया में अपना एक अलग प्रभाव जमा रखा था। उसके सामने किसी भी बात को लेकर के विरोध करना, ना कहना कोई सोच नहीं सकता था, कोई कंट्री नहीं सोच सकती थी, इंसान तो दूर की बात है। 29 मई 1942 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हिटलर से होती है और वो चाहते थे कि हिटलर हमें सपोर्ट करे, हमारा साथ दे, लेकिन हिटलर को इंटरेस्ट लेता नहीं है, ना इंडिया में इंटरेस्ट दिखाया, ना इंडियंस में इंटरेस्ट दिखाया, तो उसे भारत की आज़ादी से, स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं था। तो वो इंटरेस्ट जब नहीं शो किया हिटलर ने, तो नेताजी को डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये तो बात बनी नहीं। लेकिन इस सबके बीच में नेताजी को मालूम चलता है कि कई साल पहले हिटलर ने माइन काम्फ नामक एक ऑटोबायोग्राफी लिखी थी और उसमें उसने इंडियंस की बुराई की थी। जब ये बात नेताजी को मालूम चलती है तो हिटलर से कहते हैं कि आपको माफी मांगनी होगी भारतीयों के लिए, जो आपने शब्द लिखे उसके लिए। तो हिटलर एक बार तो चौंक जाता है कि ये कौन बंदा है भाई, इस तरीके की बात कह रहा है। लेकिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने रुख पर अड़े रहते हैं कि आपको माफी मांगनी पड़ेगी, आपने इंडियंस के लिए उसमें गलत बात लिखी। तो जो अगला एडिशन छपा उस बुक का, कहा जाता है कि उसमें हिटलर ने माफी मांगी अपने शब्दों के लिए, उन्हें बदला, तब जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो शांत हुए। हिटलर को भी समझ में आ चुका था कि अपनी मातृभूमि से, अपनी मदरलैंड से, ये जो व्यक्ति है जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस है, ये बे इंतहा प्यार करता है, माँ भारती के लिए इसका समर्पण है, माँ भारती से बहुत ज्यादा प्रेम करता है और अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान तक कुर्बान दे सकता है, और हिटलर से भी, हिटलर के सामने भी आकर के प्रोटेस्ट कर सकता है, गलत बात का विरोध कर सकता है। और आखिरी बात जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की लव स्टोरी से सीखने को मिलती है, लाइफ में प्यार करना तो सच्चा करना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आज़ादी के जो स्ट्रगल था उसको लिखना चाहते थे, डॉक्यूमेंट करना चाहते थे। दिन रात जब उनको समय मिलता था वो लिखना शुरू कर देते थे। द इंडियन स्ट्रगल नाम की जो बुक है इसी लिखने की आदत का रिजल्ट है। हालांकि अपनी इस बुक को लिखने के लिए उन्हें किसी टाइपिस्ट की जरूरत थी जो तेजी से उनकी बातों को लिख सके। जब ये काम शुरू हुआ था तो उस वक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऑस्ट्रिया की जो कैपिटल थी वियना, वहां पर थे, और तब उनके एक फ्रेंड थे डॉक्टर माथुर, उन्होंने इस काम में उनकी मदद की थी और दो लोगों को उनके पास में भेजा था टाइपिस्ट की जॉब के लिए। उनमें से एक थी 23 साल की ऑस्ट्रियन गर्ल एमिली शेंकल, जिनसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पहली नजर में ही मोहब्बत हुई। 1910 में एमिली का जन्म हुआ। उनके फादर को बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बेटी किसी इंडियन के यहाँ जाकर के जॉब करे, उस वक्त इंडिया को एक अलग दृष्टि से देखा जाता था। हालांकि जब उनकी मुलाकात नेताजी सुभाष चंद्र बोस से हुई तो वो भी, एमिली के फादर भी, नेताजी की पर्सनालिटी के कायल हो गए, क्योंकि नेताजी का जो एक उनकी जो पर्सनालिटी थी, व्यक्तित्व था, वो करिश्मा ही था, करिश्मेटिक था, जो भी उनसे मिलता था उनका फ़ैन हो जाता था। नेताजी ने एमिली को कई लेटर लिखे जिन्हें एमिली ने खुद शरद चंद्र बोस के बेटे जो हैं शिशिर कुमार बोस, उनकी वाइफ कृष्णा बोस जी को सौंपा था, और इन्हीं लेटर्स में कुछ लव लेटर थे। नेताजी ने
एमिली को लेटर में लिखा था कि मैं सुभाष जो हूँ, मैं तुम्हारे अंदर की महिला से प्यार करता हूँ, तुम्हारी आत्मा से प्रेम करता हूँ, तुम पहली महिला हो जिससे मैंने प्यार किया है। और उस पत्र के आखिरी में उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि आप इस पत्र को नष्ट कर दीजिएगा। हालांकि एमिली ने ऐसा किया नहीं था, उस लेटर को संभाल करके रखा था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तीन बड़ी कमाल की बातें कही। सबसे पहली, अगर लाइफ में स्ट्रगल ना रहे, किसी भी डर का सामना ना करना पड़े, तो लाइफ का आधा स्वाद समाप्त हो जाता है। दूसरी, जो इंसान अपनी ताकत पर भरोसा करता है वो आगे बढ़ता है, और जो उधार की ताकत वाला होता है वो घायल हो जाता है। और तीसरी, वो कहते हैं कि जब भी लाइफ भटकती है, कोई ना कोई आशा की किरण दिखती है और आपको लाइफ के पास लेकर के आ जाती है। इसलिए लाइफ में हमेशा पॉजिटिविटी का साथ मत छोड़िए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वो विचार उसकी मृत्यु के बाद 1000 जीवन में अवतरित होता है। और वैसा ही आज हो रहा है। आज भी हम सब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जिंदगी से इंस्पायर होते हैं। उनका नारा गूंजता है हिंदुस्तान में, जय हिंद। नेताजी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। उनके जीवन से आई रियली होप कि आपने इस वीडियो में काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ आपको जानने को मिला होगा। देखते रहिए मेरे साथ हर सोमवार सुबह 9:30 एक मोटिवेशनल कहानी, और हर शुक्रवार सुबह 9:30 लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो। एक बार फिर से वही बात, कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।